गाइस ये मदीने की शहर हम टाइम में आए यहाँ पे उम्रे की नियत करना है। ये तो थोड़ा सफर था, दो घंटे का मुझे नींद आ गई तो इसीलिए मैं वीडियो वगैरह वहाँ पे नहीं बना सका, पर साथ रहिएगा, आप भी इंजॉय कराऊँगा, मैं भी इंजॉय करूँगा। तो चले जैसे ही गाइस अभी पहुंच चुका हूँ ये टाइम, ये इतनी यहाँ पे रश है, इतनी यहाँ पे रश है कि बता नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने 11 दिन सफर पैदल किया था और 12वें दिन टाइम पहुंचे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बस में आए हैं, काफी सुबह जाकर हैं, काफी सुबह जो सो के भी आए हैं, ये 1.5-2 घंटे में हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गए। ये अल्लाह पाक का शान है और जहाँ पर हम खड़े हैं ये पहली ज़ियारत, इसका नाम है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। यहाँ पर आपको इकट्ठे करने में मसला ये था कि जो आप ये पीछे आप चार दरवाजे देख रहे हैं कि दरवाज़ा बंद है, कुछ उलमा कराम के मुताबिक ये वो जगह वो मुकाम है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के 3 सरदारों को इस्लाम की दावत दी, और ये वही जगह वही मकाम है जहाँ पर ताइफ़ के उन कमबख्त 3 सरदारों ने जो ताइफ के वार कर इकट्ठे कर लिए और यहीं से अल्लाह के नबी पर पथराव शुरू कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ गुजरते हुए जो पीछे आप दरवाज़ा देख रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास, यहाँ गुजरते हुए फिर अल्लाह के नबी अंगूरों वाले बाग, यहाँ से जो अंगूरों वाला बाग है 15 से 20 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से वहाँ तक अल्लाह के नबी पर पथराव हुआ, अल्लाह के नबी पर पत्थर मारे गए, अल्लाह के नबी ने पत्थर खाए सिर्फ अपनी उम्मत के लिए, और उम्मत वो है जिसने कलमा पढ़ा है वो अल्लाह के नबी की उम्मत में से है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हज़रत अब्दुल्ला जो है अब्बास के बेटे हैं, बिन कहते हैं वालिद को, हज़रत अब्दुल्ला जो है हज़रत अब्बास के बेटे हैं, ये अल्लाह के नबी के चचा जान भाई भी हैं और इनकी उम्र हमारी 13 साल थी जब अल्लाह के नबी का विसाल हुआ। अल्लाह के नबी से इन्होंने 13 साल जिंदगी में बहुत सारी हदीसें याद की और उन्हें उम्र तक पहुँचाया। जैसे ही गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ मस्जिद पे, जैसे ही गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अब्दुल्ला बिन अल अब्बास मस्जिद, यहाँ पे उम्र वगैरह की नियत करेंगे, इनाम वगैरह पहने जैसे ही गाइस वीडियो वगैरह कर लिया है तो अभी जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, एहराम वगैरह पहनेंगे। जैसे ही गाइस कभी अभी मुझे बिल्ली मिली है, अभी वजू वगैरह कर लिया है, नफिल वफिल भी पढ़ने हैं तो मैं बस की तरफ जा रहा हूँ, अभी पता नहीं कौन सी बोल रहे थे मुझसे, चलो वहाँ जाके पता चलेगा, वहाँ भी जाएंगे वहाँ जाके पता चलेगा तो क्या है क्या नहीं तो चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास से ही हिजरत की तो अल्लाह के नबी ने इसी जगह पर आकर कायम फरमाया था। जैसे मैंने आपको पहले बयान बताया था कि ये जो बाग था ये उतबा और शेबा का था, उतबा और शेबा जो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे और अल्लाह के नबी के जान दुश्मन थे, जब उन्होंने यहाँ पर आपको देखा आराम करते हुए जो आपकी जान के दुश्मन थे उनका दिल भी नरम पड़ गया, वो खुद इसी अंगूरों वाले बाग में गए, अंगूर तोड़े इकट्ठे किए, जब पास जाकर पेश करने में शर्म महसूस हुई तो उन्होंने एक अपना दास आमी गुलाम बुलवाया और कहा ये अंगूर ले जाओ, उस अंगूरों की बेल के साए के नीचे एक खूबसूरत जख्मी शख्स बैठा है, जाकर उसे यही अंगूर हड्डियों तक तोहफे में पेश कर दो। अदास आमी गुलाम इसी जगह पर अल्लाह के नबी पर हाजिर हुआ और आपको यहाँ पर अंगूर हड्डियों तक तोहफे में पेश किए। अल्लाह के नबी ने इसी जगह पर उसी अंगूरों को बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया, जो दास नामी गुलाम हैरान रह गया कि यहाँ के जो लोग हैं कुछ खाते हैं पीते हैं कलमा तो नहीं पढ़ते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, उसने बताया मेरा नाम दास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शहर से आने वाले हो,
उसने बताया कि मैं नीनवा का रहने वाला हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से रहने वाले हो। जो अदास में गुलाम था हैरान रह गया कि ये नौजवान खूबसूरत जख्मी इंसान उस नबी को कैसे जानता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो भी नबी था और मैं भी नबी हूँ। इसी जगह पर इसी मुकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसी जगह पर अल्लाह के नबी ने उसे सूरत यूनुस कुछ आयतें सुनाई, जिसे सुनकर वो आपके पांव के बोसे लेने लगा। जिस पहाड़ी के नज़दीक आपने इस्लाम की दावत कबूल की थी उसी जगह पर इसी पहाड़ी को शहीद किया गया और पहाड़ के टुकड़ों से ये मस्जिद बनाई गई, जिसका नाम मस्जिद अदास रखा गया। याद रखिए अदास नामी गुलाम सिर्फ यहाँ पर आपको हमदूर पेश करने आया था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे यहाँ पर इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया। याद रखिए पूरी दुनिया के अगर अवली कट्टे हो की नमाज पढ़ रहे थे और जो ताइफ के वार लड़के थे इसी पहाड़ पर चढ़कर उन्होंने बहुत बड़े पत्थर को धक्का दिया, इस नियत से यह सोचकर नाउज़ुबिल्लाह ये पत्थर नीचे गिरेगा, अल्लाह का रसूल यहाँ पर शहीद हो जाएंगे या फिर आप जख्मी हो जाएंगे। अल्लाह का रसूल ने अपनी हाथ की उंगली के इशारे से इस पत्थर को वहीं पर रोका जो आज था वहां पर रुका हुआ है। अगर आप पहाड़ के ऊपर देखिए एक बड़ा पत्थर है जिसके नीचे दो छोटे पत्थर है, एक ही बड़ा पत्थर है इसका नाम मस्जिद अली रखा गया। जैसे मैंने आपको पहले बयान बताया था इस्लाम की जो पहली मस्जिद है उसका नाम मस्जिद कुबा जो मदीना शरीफ में है, लेकिन इस्लाम की जो पहली मीनार वाली मस्जिद है उसका नाम मस्जिद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अगर आप गौर करें तवज्जो करेंगे इसी सर पर जाली लगाई गई है इसी वजह से, और वो देखिए पीछे सुराख खुद हाजियों ने तोड़ कर निकाला हुआ है, कहानी से बाद गलती अगर दाखिल हो जाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जैसे गाय जब ये मैंने एहराम ले लिया है तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ, एहराम वगैरह हमें बांधना है तो फिर जाएंगे हम मक्का शरीफ उमरा वगैरह करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एहराम वगैरह पहन लिया है, अभी जाऊंगा नफिल पढ़ने एहराम की नियत से। अभी यार बता करूँ नफिल पढ़ते कहाँ है भैया, नफिल कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में। कौन सी जाए पीछे मीनार वाली मस्जिद है, वो देखो मीनार, वो सामने, ये सामने मीनार वाली मस्जिद है, यहाँ पे चल रहे हैं। ये सामने मस्जिद है, चलो अभी नफिल वगैरह पढ़ लें तो मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए बाय। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने नफिल वगैरह पढ़ लिए, नियत वगैरह भी कर ली, किसके लिए उमरा करना है वो भी नियत कर ली, तो अभी बस की साइड जा रहे हैं, तो अभी बस पे चढ़ के सीधा जाएंगे मक्के शरीफ, वहाँ पे उमरा कम्प्लीट करके इंशाल्लाह बस आपकी भाइयों की दुआओं से ही मैं उमरा कम्प्लीट करूँ। दुआ करना कि कम्प्लीट अल्लाह ताला मुझे हिम्मत अता फरमाए, तो चले हमारे साथ ही चलते रहेगा, आपको मैं मंजर भी दिखाऊंगा और खाना काबा की ज़्यारत भी कराऊंगा। हमारी सामने बस खड़ी है, ये सामने उसकी साइड में जा रहा हूँ। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك जैसे ही गाइस मैं होटल पे आया था खाना खाने पर यहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है।
ये खाना कब है बिल्कुल सामने मौजूद हुई है, यहाँ पे बारिश हो रही है। मंजर चेक करें आप लोग, आजा, शुक्रिया।